बलिदान सेना का लोगों का हुआ है या BSF का हुआ हो, उसका बदला अच्छी तरह से लिया गया है। उरी हमले का सबसे बड़ा बदला, आओ लड़ाई लड़े। दुनिया में जितना भी आतंकवाद है सबको खत्म कर देना चाहिए। दुश्मन पर ऐसा हमला होता रहे और दुश्मन के छक्के छुड़ाते रहे। शहादत के बदले पर देश में जश्न। उनको सीधे जाके गोली मार देना चाहिए, तब सुधरेंगे वो लोग। पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं। देश में जश्न, सेना पर गर्व। नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यनाथ झा। आपको हम 1 बजे दिखाने वाले थे कि शहीद के परिवार, उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके बाद परिवार क्या सोचता है शहीदों का। तो शहीदों के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक कर हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। लेकिन उरी 18 जवानों की शहादत के बाद देश चाहता था कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया जाए। पीओके में आतंकी कैंपों को नष्ट कर भारत ने करीब 50 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। देश शहीद वीर जवानों के परिवार के साथ है और शहीदों के पिता अब पूरे परिवार का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। आज हमारे साथ उरी आतंकी हमले में शहीद होने वाले 3 जवानों का परिवार मौजूद है। गया से शहीद SK विद्यार्थी का परिवार हमारे साथ है, झारखंड के खूंटी से शहीद जवरा मुंडा का परिवार और यूपी के जौनपुर से शहीद राजेश कुमार का परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर हम इन जो परिवार हमारे साथ मौजूद है उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जो शहीद जवान हैं उनके बारे में। दरअसल वो कैसे सेना में आए और उसके बाद कैसे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। सबसे पहले राजेश कुमार की कहानी आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए जवानों में उत्तर प्रदेश के योद्धा ने भी बड़ी कुर्बानी दी। ये हैं लांस नायक राजेश कुमार। राजेश सराय ख्वाजा थाने के भकुरा गांव के रहने वाले थे। राजेश 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। राजेश सिंह 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग उरी में हुई थी। उरी हमले से 1 दिन पहले राजेश कुमार ने अपनी पत्नी और माँ से बात की थी। उस वक्त राजेश कुमार ने कहा था कि अगले 4 दिन वो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके परिवार को पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी कॉल होगी। काटने पे हमको खुशी मिलती, उसी तरह 18 लोगों का बदला तो 200 से लोगों से लेना ही चाहिए। 200 से क्या, अगर पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, ताकि उन लोग भारत नाम से ही डर जाए, फिर कभी ऐसा हमला ना हो, किसी और बहनों का इस तरह सिंधु न उजड़े। शहीद राजेश सिंह के पिता को बेटे की कुर्बानी पर अफसोस है, लेकिन गर्व भी है। राजेश सिंह के पिता बेटे की शहादत का बदला 1 के बदले 10 से लेना चाहते हैं। राजेश कुमार की शहादत को देश का सलाम। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अमित कुमार के परिवार के पास, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे अमित कुमार के परिवार से हम बात करेंगे, माफ कीजिए, राजेश कुमार के परिवार से हम बात करेंगे। और मेरे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद हैं इस परिवार के साथ। अमित, जो परिवार मौजूद हैं, कौन कौन से लोग हैं परिवार के इस वक्त हमारे साथ और वो देश को क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल विद्या, शहीद राजेश सिंह के परिजनों के साथ इस वक्त हम हैं। उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं, उनके चाचा हैं, उनके गांव के लोग हैं। बाऊजी, ऐतिहासिक कदम उठाया है सरकार ने, पाकिस्तान में घुसकर और करीब 50 आतंकियों को मार गिराया है। आपकी मांग बहुत पहले से रही है, जिस दिन शहादत हुई थी राजेश जी की, कि बदला लेना चाहिए। अब जब देश ने बदला लिया है, कुछ मरहम लगा है क्या? खुशी तो ज़रूर कुछ हुई है कि पहली बार मतलब प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, उसकी तो मुझे महान खुशी है। लेकिन इस प्रकार मतलब उन पर हमला बार बार किया जाए, जिससे वहाँ के जितने आतंकवादी कैंप हैं सब नष्ट किए जाएं,
जो वहाँ का सरगना मोहम्मद हाफिज़ है, मोहम्मद सैयद है, उसको जिस प्रकार से ओसाम बिन लादेन को वहाँ मार करके अमेरिका उठा लाया था, उस प्रकार से मार करके वहाँ से उठा लाएँ या तो पूरे विश्व समुदाय से मिल करके उसको भारत में ला करके उसको फांसी की सज़ा दी जाए, तब थोड़ा मेरे दिल को तसल्ली होगी। कुछ माहौल में बदलाव देख रहे हैं? नहीं, बदलाव तो हुआ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उनकी सीमा रेखा में हल करके जिस तरह से किया है उससे तो मुझे पूरा गर्व है, उससे माहौल तो ज़रूर बदला है। जो हमारी पूर्वांचल की धरती है, वीरों की धरती है, शहादत देने वालों की कमी नहीं है, पहली बार किसी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पीओके में घुस के इतनी बड़ी कार्रवाई की है, आपको मोदी जी पर भरोसा है कि ये कार्रवाई आगे चलते रहेगी? नहीं, मुझ पर भरोसा न होता, मुझ पर क्या, पूरे भारतवर्ष को भरोसा था, इसीलिए जिस बहुमत से सरकार बनाए हैं आज तक, मतलब इधर कोई सरकार इस तरह नहीं बनाई थी। तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का कहना था कि ये मोदी सरकार ही निर्णय ले सकती थी और ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है, इससे कम से कम उनके परिवार में थोड़ा सा मरहम लगा है, थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि कम से कम उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई। आपके पास लौट कर आऊंगा और शहीद राजेश का परिवार हमारे साथ है, लेकिन आपको बता दें कि उरी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 19 जवानों में एक और नाम था, झारखंड के खूंटी के रहने वाले शहीद जवरा मुंडा का। इनका परिवार भी हमारे साथ मौजूद है। जवरा मुंडा भी 18 सितंबर को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। एक बार पहले आपको बता देते हैं, उनकी कहानी बता देते हैं कि दरअसल जवरा मुंडा की कहानी कैसे वो झारखंड से बॉर्डर तक पहुंचे और वहां पर किस तरीके से मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए, उसके बाद परिवार के पास चलेंगे। उरी आतंकी हमले में जिन 19 वीर सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर किए, उनमें से एक नाम सिपाही जवरा मुंडा का भी था। जवरा झारखंड के खूंटी के रहने वाले थे। शहीद जवरा मुंडा अपने पीछे परिवार में 3 छोटी बेटियों को छोड़ गए हैं। उनके जाने से उनका परिवार भले ही टूट गया हो, लेकिन उन्हें अपने पिता पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए शहादत को गले लगाया। मोदी सरकार और सेना से हम अपील करते हैं, जबकि उन्हें जाके एक चुन पाकिस्तान जाके चुन चुन करके घर घुस करके मारेंगे, तब हमें मेरे पति को और सेना को सबको हौसला भी बढ़ेगा और मेरे पति की आत्मा को भी शांत मिलेगी। शहीद सिपाही जवरा मुंडा के पिता नहीं है, लेकिन बूढ़े दादा ने सब्र नहीं खोया। अपने योद्धा बेटा की जांबाजी पर उन्हें गर्व है। उनके मुताबिक उनका बड़ा पोता शहीद हुआ तो छोटा दुश्मनों से लोहा लेगा। झारखंड ही नहीं, पूरा देश जांबाज योद्धा जवरा मुंडा की इस शहादत को सलाम कर रहा है। तो शहीद का परिवार हमारे साथ है, जवरा मुंडा का परिवार हमारे साथ है और मेरे सहयोगी सनी शरद भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, शहादत के बाद की जो तस्वीर होती है, कैसे पूरा गांव, पूरा इलाका शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और इस शहादत को नमन करता है। ठीक इसी तरीके से जवरा मुंडा के शहीद होने के बाद उनके काफिले में, उनके अंतिम यात्रा में कैसे पूरा इलाका, पूरा गांव साथ हो गया और शहादत को सलाम करते हुए। हालांकि आपको बता दें कि पूरा परिवार अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस करता है और यहां तक कि शहीद के जो परिवार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया है तो दूसरे बेटे को भी भेजेंगे। पूरा परिवार दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। उरी आतंकी हमले के बाद देश में भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जवाब कब दिया जाएगा, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, करीब 50 आतंकियों को हमारे जवानों ने शहीद कर दिया, सीमा के अंदर घुसकर, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर शहीद कर दिया, LOC क्रॉस करके मार गिराया 50 आतंकियों को,